हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद टोल प्लाजा पर विधायक नीरज शर्मा और उनके स्टाफ के साथ टोल कर्मी का विवाद तूल पकड़ने लगा है। टोल टैक्स मांगने पर विधायक के गनमैन की ओर से टोल कर्मी को पीटने और उसका किडनैप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने टोल कर्मी को 5 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस बारे में टोल प्रबंधन ने DLF फेज 1 थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया है। वहीं मामले में विधायक की तरफ से भी पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया गया है कि टोल कर्मी ने शराब के नशे में उनके साथ बदतमीजी की है। वे टोल कर्मी को मांगर पुलिस चौकी के हवाले कर गए थे। फिलहाल मामले में DLF फेज 1 थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक टोल प्रबंधक चेतन शर्मा ने बताया कि 9 अप्रैल की रात को गुरुग्राम से फरीदाबाद जाने वाली लेन के बूथ नंबर 7 पर एक गाड़ी आकर रुकी। टोल बूथ में मौजूद कर्मचारी सुमित सिरोही ने ड्राइवर से टोल भुगतान करने के लिए कहा। इस पर ड्राइवर ने उसे धौंस जमाते हुए कहा कि ये गाड़ी विधायक नीरज शर्मा की है। इस पर सुमित ने गाड़ी में देखा तो कुछ लोग बैठे नजर आए, लेकिन विधायक की पहचान नहीं हुई। इस पर सुमित ने विधायक का आईडी कार्ड मांग लिया। इस बात से गाड़ी में मौजूद लोग गुस्से में आ गए। वहीं मामले में विधायक की तरफ से भी केस दर्ज कराया गया है। कांस्टेबल वीरेंद्र ने बताया कि उसकी ड्यूटी विधायक NIT फरीदाबाद नीरज शर्मा के साथ है। 9 अप्रैल की रात को वो MLA के साथ गुरुग्राम से फरीदाबाद टोल पर पहुंचे और टोल कर्मी को बूम बैरियर हटाने के लिए कहा। इस दौरान नशे में धुत टोल कर्मी ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इस पर वे उसे समझाने लगे, लेकिन उसकी बदतमीजी बढ़ने लगी। पूछताछ में टोल कर्मी ने अपना नाम सचिन बताया था। इस पर वो उसे अपने साथ मांगर पुलिस चौकी ले आए और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। वहीं DLF फेज 1 थाना पुलिस ने मामले में क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, बड़ा दुख हुआ आज जब पता लगा, जैसे पहले सरकार के प्रेशर में आके प्रशासन ने, जब मैंने ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पकड़वाए थे, एक FIR दर्ज की, वैसी आज 9 अप्रैल को जब मैं रात्रि को खाटू श्याम और सालासर बालाजी से आ रहा था अपनी गाड़ी से, गुड़गावा फरीदाबाद टोल पे शराब में नशे में धुत कर्मचारी ने बदतमीजी की, गेट नहीं खोला, इमरजेंसी लाइन चालू नहीं थी और प्रशासन को मैंने जबकि एप्लीकेशन दी हुई थी और वो शराब के नशे में धुत कर्मचारी किसी और के साथ गलत कार्य ना करे, उसको हमारे गनमैन ने नज़दीकी चौकी में देके आए और 112 पे कॉल करी। परंतु आज प्रशासन ने फिर रिलायंस के दबाव में आके, क्योंकि ये टोल रिलायंस कंपनी का है, मेरे खिलाफ और गनमैन के खिलाफ FIR दर्ज करी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप विपक्ष की आवाज़ को ऐसे नहीं दबा सकते, जबकि कंपनी खुद मान रही है उस कर्मचारी ने शराब पी रखी थी, उसका मेडिकल हुआ है, बदतमीजी की है और वो इमरजेंसी लाइन आज तक भी चालू नहीं हुई। होता ये कि प्रशासन रिलायंस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करता, उल्टा मेरी बात को दबाने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए क्रॉस FIR दर्ज कराई है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।